जी बाबा जी। भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बन गया। भारत हीरे जैसा कब था? जब पावन था, पवित्र था, जब नर नारी पवित्र थे, प्रकृति सतोगुणी थी, किसी को झूठ ठगी फरेब का ज्ञान भी नहीं था। अभी ये होता क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई अहम का टकराव नहीं था, सब अपने आनंद मौज में रहते थे। तो उस समय भारत डायमंड जैसा था, हीरे जैसा था। अभी तो भारत क्या बन गया, बाबा कहते हैं कंगाल बन गया है ना। स्वतंत्रता के कितने साल हो गए, 75 से भी ऊपर हो गए। अभी भी जो है पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, गरीबी रेखा के नीचे बहुत है। और लोन तो हर देश ही ले रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक से, कोई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो अपना राज्य चलाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, और लोगों से टैक्स तो लेते ही हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब क्यों हुआ, क्योंकि प्योरिटी खत्म हो गई, ना मन की पवित्रता, ना वाणी की पवित्रता, ना कर्म की पवित्रता, ना संबंधों में पवित्रता। लेकिन सतयुग में जब भारत हीरे तुल्य था, तो सब कुछ पावन था, रिश्ते भी पावन थे, मन बुद्धि भी पावन थे, और अभी सब पॉल्यूटेड हो गए हैं, दूषित हो गए, प्रदूषित हो गए, मन बुद्धि भी प्रदूषित है, मेंटल पॉल्यूशन हो गया, विकारों ने पतित कर दिया है सबको। तो फिर क्या बन गए, कंगाल बन गए। बाहर कारों ने और अंदर विकारों ने हाँ, पॉल्यूशन बढ़ा दिया। बाहर कारों ने और अंदर विकारों ने पॉल्यूशन बढ़ा दिया। तो बाबा कहते हैं पतित बनने से भारत कंगाल बना है, अथवा दुनिया कंगाल बनी है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है, पतित को पावन बनाना हीरे है, जैसे बहुत बड़ा काम है। हीरे जैसा बनाना है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाना है, कंगाल से माला माल बनाना है। तो कैसे बनेगा, जब हम ज्ञान योग की धारणा जीवन में करेंगे, और जो सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा है, जो सत्य स्वरूप है, वही परमात्मा आके हमें सत्यता का ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, तीन लोक क्या हैं, तीन काल क्या हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है, काल चक्र घूमता है। जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है, तो हमें पता लगता है, ओहो, हम ही देवी देवता थे, हम ही पूज्य थे जब पावन थे। तो अंदर एक प्रेरणा आती है कि अगर मैं पहले पावन था, तो अब भी पावन बन सकता हूँ। सकता हूँ। अगर मैं कभी राजा रहा हूँ, तो अब भी राजा बन सकता हूँ। ये एक प्रेरणा, अंतः प्रेरणा मिलती है। तो बाबा कहते हैं मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। कौन सा सैपलिंग लगाना है, कौन सी पौध लगानी, कौन सी कलम लगानी है, मीठे दैवी झाड़ की। अभी आसुरी झाड़ है ये, सृष्टि क्या है इस वक्त, आसुरी झाड़ है ये, कांटों का जंगल है। लेकिन बाबा कहते हैं अब जो है छोटा सा होगा, वो ईडन गार्डन, गार्डन ऑफ अल्लाह, स्वर्ग,
तो वो होगा मीठा, लोग भी कैसे होंगे, मीठे, प्रकृति भी अपनी फुल बाउंटीज में होगी, वो भी फुल संपन्न होगी, सत्वगुणी होगी। तो प्रकृति में जो आपको फल मिलेंगे, सब्जी मिलेगी, वो भी मीठी हाँ संपूर्ण सत्वगुणी, और हर चीज़ का स्वाद आपको अलग से दिखाई देगा। अब तो आप देखते हो कैसे है, हर चीज़ का स्वाद ही खो गया। मिर्च मसाले गेर कर, कुछ कुछ गेर कर हाँ खाने जोगे बनाते हैं उसको। बस, तो हर चीज़ में मिर्च मसाला इतना इसीलिए डालते हैं कि अपना स्वाद तो ख़त्म हो गया चीज़ों का। जैसा इंसान नीरस हो गया है, ऐसे वस्तुएं भी नीरस होगी। तो नीरस इंसान नीरस जगत में रहता है, और नीरस इंसान ने ही नीरस जगत बना दिया बनाया है। भी तो अब भगवान उसको बनाता है सरस। कैसा बनाता है? सरस। सरस। तो अगर हम अब राम रस पियेंगे तो दुनिया सरस हो जाएगी।